डीआरवी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। मुंबई से सटे अंबरनाथ के एक कोविड हॉस्पिटल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर अस्पताल प्रशासन ने एक महिला मृतक की डेड बॉडी देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि परिजनों ने अस्पताल के बिल का पूरा भुगतान नहीं किया था। देखते ही देखते अस्पताल प्रशासन और परिजनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबरनाथ के विजय कोविड हॉस्पिटल में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट का वीडियो भी जो है सामने आ चुका है। वीडियो में अस्पताल के कर्मचारियों और कोरोना मरीज के परिजनों के बीच जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर कवर करने गए कुछ पत्रकारों से भी मारपीट का करने का आरोप अस्पताल के कर्मचारियों पर लगा है। दरअसल बदलापुर की मीरा बनकर नामक एक महिला कोरोना बीमारी से ग्रसित थी। महिला का इलाज अंबरनाथ के विजय मल्टी स्पेशलिस्ट कोरोना हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि अस्पताल की ओर से महिला के परिजनों को 1.5 लाख रुपए के बिल का भुगतान करने को कहा गया। मृतक महिला के परिजन पूरा बिल नहीं भर पाए। अस्पताल ने बिल का भुगतान पूरा न करने की वजह से परिजनों को डेड बॉडी देने से मना कर दिया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय मनसे नेता और कुछ पत्रकार खबर कवर करने के लिए अस्पताल पहुंच गए। तभी मनसे नेता और मृतक महिला के परिजनों का अस्पताल वालों से कहा सुनी हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत हाथापाई की आ गई। इस मामले में पुलिस थाने में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।